इसके अलावा हम देखते हैं कि जब खुदाम युसुमसी कोहे तबूर इंग्लिश में कहा जाता है माउंट एबोड ये वो पहाड़ है जिसका अना झील में तो नाम नहीं है जहाँ मुकदस पहाड़ कहा गया है जब खुदाम जसुमसी अपने शागिदों के साथ इस पहाड़ पर गए तो वहाँ उनकी छबी बदल गई नूरानी हो गई और उस वक्त भी शागिर्दो के सामने आसमान से ये आवाज आई के ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ इसकी सुनो इसका हवाला हमें आगे जाके दूसरा पत्रस पहला बाप और सत्रहवीं और अठारवी आयत में भी मिलता है इसके बाद हम ये देखते हैं कि बती छह बाब नौ आयत में जो दुआ रबानी लॉर्ड प्रेयर उदाम युसु ने अपने ईमानदारों को सिखाई उसमें भी उन्होंने खुदा के लिए यही कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो आए हमारे बाप यानी कि खुदा को जो बाप कहने का हक उदाम युसु को हासिल था जैसे हमने जोहना एक बाप बारह आयत में भी देखा की जितने उस पर ईमान लाए उन्होंने उन्हें भी खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा उसी तनाजर में हम देखते हैं छह बाप नौ आयत में भी खुदा खुदाम कहते हैं कि जब तुम दुआ करो तो यू दुआ करो कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर यानी कि खुदा उन सब ईमानदारों का बाप है जो मसीह पर ईमान लाते हैं इसके अलावा हम देखते हैं कि एक और शख्स जो मसीही नहीं था बल्कि यहूदी भी नहीं था रूमी सिपाही था जो रोमन गॉड्स को मानते थे जब खुदा खुदाम को मसलूब किया जाता है तो उस वक्त जब आसमान पर तीन घंटे के लिए अंधेरा छा जाता है और एक बहुत बड़ा भूचाल आता है और एक और दहशत की फिजा कायम हो जाती है तो उस वक्त भी ये, ये मंजर को देखकर हो जाता है की यकीन का बेटा था और यहाँ मैं एक बात और वाजे करना चाहता हूँ की जब खुदा मुझे मौत वाक्य होती है स्लीपर तो अनाजिल में लिखा हुआ है की तीन घंटे के लिए अंधेरा छा जाता है तारीख आलम में सबसे बड़ा सूरज ग्रह है जिसकी वजह से अंधेरा छा गया वो से ज्यादा सात मिनट या साढ़े सात मिनट के करीब बनता है लेकिन ये वो अनोखा और यूनिक वाक है जब तीन घंटे के लिए तारीखी छाई रही आसमान पर अंधेरा ही अंधेरा था तो इस मंजर को देख कर इस रूमी सि ने कहा कि यकीनन ये खुदा का बेटा ही था यहाँ एक और बात भी बड़ी जरूरी है की जब खुदा जसूसी को स्लीप दिया जा रहा था तो उन्होंने खुदा को पाप कह के नहीं पुकारा बल्कि कहा अदा अः खुदा, खुदा तू तो मुझे क्यूँ छोड़ दिया वो इसलिए क्यूँकी उस वक्त बात इंसान जो उन्होंने पूरी बनी नफारा दिया उस लम्हे में वो बहसियत इंसान खुदा के बाप और बेटे के रिश्ते से अलग हो चुके थे लिहाजा उस वक्त उन्होंने खुदा बाप को सिर्फ खुदा कहकर पुकारा इसकी वजाहत कभी किसी और वीडियो में दोबारा की जाएगी अब मैं इससे पहले भूल जाऊँ वो जो बात शुरू में अर्ज की थी कि अहमद दिदात और जाकर नायक ने जो कहा था tons, तो खुदा जो सुनसी ही अकेले

क्योंकि सन ऑफ़ गॉड का डायरेक्ट खुदा खुदा के साथ खुदा में से निकला हुआ बनता है। सन या एक में हुई है। जैसे कि हिंदू माथोलॉजी या ग्रीक माथोलॉजी में भी तमाम बनी नौ को खुदा की औलाद खुदा की संतान कहा गया है लेकिन जेनेरिक सेंस में रूहानी सेंस में नहीं लेकिन खुदा युसमसी के मामले में जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये एक ही यूनिक रूहानी और खुदा की कुत और खुदा की कुदरत के साथ जुड़ा हुआ मामला है जिसकी बदौलत उन्हें सन ऑफ गॉड कहा गया है सन ऑफ गॉड एक जनरल टर्म है लेकिन दी सन ऑफ गॉड सिर्फ और सिर्फ खुदा युसमसी का लकब या या उनकी यूनिक हस्ती को जाहिर करता है अब हम देखते हैं कि इस नजरिए को लेकर यानी कि खुदाम यसमुसी की पदाइश के हवाले से जो बात की गई है उसके अलावा और कौन सी वजूहात है जिनके बिना पे मसी खुदाम को खुदा का बेटा कहते हैं या ने खुद को का बेटा कहा सबसे पहले तो हमने देखा की खुदाम की जो हस्ती है जो उनकी एग्जिस्टेंस बल्कि प्री एग्जिस्टेंस थी बाइबल मुकदस में जा बजा हमें ये बात नजर आती है की खुदाम यसमसी वो दावा करते हैं की उनका वजूद दुनिया में आने से पहले भी था यानि की खुदाम यसमुसी एक वो यूनिक हस्ती है जो अपनी पदाइश से पहले भी भी मौजूद थे और अपनी मौत के बाद मैं अल्फा और ओमेगा हूँ अव्वल और आखिर मैं हूँ ये वो यूनिक टाइटल है खासियत है खसूसियत है जो सिर्फ खुदा ताला की है इसके अलावा हम देखते हैं कि खुदा खुदाम जसमसी के बारे में ये कुरान शरीफ में भी है कि वो बेगुनाह थे पाकिजा थे प्योर थे प्योर सन मरिय मुकदसा को जब ये नवीद सुनाई गई तो ये भी कहा गया कि जो बेटा पैदा होगा वो प्योर सन होगा तो गोया खुदा यूसुमसी वो हस्ती हैं जो तमाम इंसानों से अलग हैं क्योंकि वो प्योर होली जिनमें कोई गुनाह नहीं था तमाम इंसान गुनाह करते हैं तमाम इंसान खता करते हैं लेकिन खुदा यूसुमसी बेगुनाह और मुकम्मल तौर पर प्योर थे और चूंकि वो सिनलेस थे इसीलिए वो तमाम गुनहगारों के लिए कफारा देने का बास ठहरे अगली बात यह है कि खुदा यसूमसी अपने इख्तियार के हवाले से उनमें वो कुदरत थी वो पावर थी वो इख्तियार था जो सिर्फ खुदा का इख्तियार है उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया उन्होंने फरमाया कि रा, हक जिंदगी और रात मैं हूँ और उन्होंने ये भी फरमाया कि जिस तरह से बाप मुर्दों को जिंदा करता है जिंदगी देता है उसी तरह से बेटा यानी कि मैं भी जिंदगी देता हूँ और उन्होंने ये अमली तौर पर करके भी दिखाया इसके अलावा जो खुदा की अमनिशंट खसूसियत है यानी कि वो सब जानते थे उनको हर चीज का इल्म था उन्हें अपनी मौत की घड़ी का इल्म था उन्हें इल्म था कौन उन्हें धोखा देगा उन्हें गैब का इल्म था यानी कि वो अमनिट थे जो एक खसूसियत खुदा की है कुदरत रखते थे अमनी प्रेजेंट थे वो हर जगह पे मौजूद होने का दावा करते थे और आसमान पर जाने से पहले उन्होंने ये वादा और ये क्लेम दोहरा दिया और उन्होंने अपने शागिदों से कहा कि देखो दुनिया के इंतहा तक मैं तुम्हारे साथ हूँ यानी कि वो हर जगह पे हर वक्त अपने ईमान रखने वालों के साथ मौजूद होते हैं यानी कि ये उनके की भी एक मुकम्मल और दलील बनती है यहाँ मैं ये बात वाज करना चाहूँगा की जो मसीहत की तनकीद करने वाले है वो यकीन खुदाम युशुमसी के उस बयान का यहाँ नुकता उठाएंगे की अगर खुदाम योसुमसी सब कुछ जानते थे जैसे की खुदा को हर चीज़ का इल्म है तो खुदाम जोसुमसी को तो अपनी आम का कोई इम नहीं था उन्होंने तो ये कहा था मरकज कि कि आदम नहीं जानता वो घड़ी कब आएगी जब वो दोबारा इस तशरीफ लाएंगे इसका जवाब मैं एक अलग वीडियो में दे चुका हूँ लेकिन मुख्तर ये के गुदाम के बारे में ये बस ही अकीदा है कि वो हिपोस्टेटिक हस्ती रखते थे यानी कि वो एक तरफ तो खुदाई सिफात रखते थे लेकिन चूंकि वो इंसानी रूप में आए थे तो दूसरी तरफ वो इंसानी वजूद भी रखते थे कुलसीयो के ही खत में हमें इसकी वजाहत मिलती है कि गो के वो खुदाई सिफात और वजूद रखते थे लेकिन जब उन्होंने इंसानी रूप अख्तियार किया तो उन्होंने अपने आप को अपने उन मखसूस इलाही और खुदाई सिफात से महरूम कर लिया तो इंसानी वजूद में बहसी इंसान वो उस खड़ी को नहीं जानते थे लेकिन बाहसी खुदा वो हर चीज से वाकिफ थे और उन्हें हर चीज का इल्म था इस बात की वजाहत हम अलग एक वीडियो में कर चुके हैं लेकिन याद रखने की बात यह है कि ने गुदाम बार बड़े वाजे तौर पर अपने हर चीज का इल्म रखने की वजाहत की और उसका अमली नमूना भी दिया और जहाँ तक उनके वापस आने का ताल्लुक है आमदे का ताल्लुक है तमाम निशानात जो होने वाले हैं, वो भी बयान कर दिए क्योंकि उन्हें आने वाले जमानों का इलम था कि उनके जब आने का वक्त होगा तो हालात कैसे होंगे तो जो तनकीद करने वाले है वो एक बार पकड़ते हैं चारी पिकिंग करते हैं उसको कॉन्टेक्ट से बाहर लेके उसके ऊपर बड़े शादी बजाना शुरू कर देते है की देखो देखो हमने यहाँ ये बात तो पकड़ ली है इसका क्या जवाब बनता है तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि खुदाम युसुमसी को खुदा का बेटा कहने की जो मेन वजह है वो इस तमाम मामले को हम मसीही खुदा मसीह को खुदा का बेटा किसी जसमानी सेंस में नहीं कहते और और ना ही हम उनकी पैदाइश को किसी इंसानी जिनसी तनाजर में देखते हुए खुदा का बेटा कहते हैं कुछ तनकीद करने वाले बड़ी अजीब सी बात कह देते हैं कि अगर खुदा यसुमसी मरियम मुकदसा से पैदा हुए तो खुदा अगर उनका बाप है तो क्या मरियम खुदा की बीवी ठहरी तो ये नहायती लोग और बिल्कुल ही एक तरफ से तो अगर मैं सादा लफज इस्तेमाल करूँ बच गाना और शायद क्या आप कहें अब, दलील भी नजर आती है के ऐसा होने से क्या वो हमला हुई और उनके यहाँ जिस बेटे ने जन्म लेना था वो खुदा की कुदरत से, खुदा के पाक रू ऐसी पैदा होने वाला था वो खुदा के पाक रू का मुजस्म होने वाला इंसान था यानी के कलमतुल्ला अल्लाह मुजस्म हुआ और हमारे दरमियान ज़ाहिर हुआ के अलकाब और उनके नामों में से एक नाम इमानुएल भी है जिसका मतलब है खुदा हमारे साथमुसी के रूप में खुदा इंसानों के दरमियान आया क्योंकि जो इंसान से मुमकिन ना था कि अपने गुनाहों का खुद कफारा दे सके वो खुदा ने खुद इंसान बनकर खुदम यसमुसी का रूप इख्तियार करके इंसानों को कैसे जिंदगी बसर करनी चाहिए वो उसका अमली नमूना दिया अगर खुदा इंसान बनता तो वो कैसा होता वो खुदा दमसी का रूप हम पर अया करता है अलामा इकबाल ने बड़ी ख्वाहिश की हसरत बड़ी ख्वाहिश की कि काश खुदा इंसानी रूप में जाहिर होता तो वो क्या करते तो उनकी मशहूर गजल है कभी अकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबी ने नयाज में अमा इकबाल की तमन्ना थी कि काश खुदा इंसानी रूप में मजाजी रूप में तो मैं न जाने कितने सजदे उसे करूँ खुदा इंसानी रूप में जाहिर हुआ खुदा के रूप में खुदाम किया खुदा क्या है और खुदा इंसान ऐसी क्या चाहता है जब शागि में से एक ने कहा हमें बाप दिखा हम पर बाप जाहिर कर यानी के हमें दिखा की बाप कैसा है खुदा कैसा है तो खुदा जिसमसी ने फरमाया की मैं इतनी देर ऐसी तुम्हारे दरमियान हूँ क्या तुमने मुझे नहीं जाना क्या तुमने नहीं पहचाना की खुदा मुझ में है और मैं खुदा में हूँ बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ तो आखिर में मैं यही कहूंगा और खुदा बाप का रिश्ता ऐसा ही है जिसे हम यू कह सकते हैं जैसा बाप वैसा बेटा आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तमाम मामला समझना नहाय ही मुश्किल है लेकिन बल्कि शेख एक मुस्लिम खातून जिनके लिए खुदा को बाप कहना और खुदा को बाप के तौर पर समझना बहुत मुश्किल था लेकिन जब खुदा ने उन पे यह रास अफशा कर दिया और उन्होंने न सिर्फ को कबूल किया बल्कि उन्होंने एक नहायत ही मशहूर किताब भी लिखी जिसका टाइटल है आई मैंने हिम्मत की के खुदा को बाप को जो उन पर ईमान रखते हैं झील के मुताबिक ईमान लाए उन सब को उसने खुदा के फर्जंद होने का बख्शा खुदा, खुदा के बेटे इसलिए है क्यूँकी उन्होंने इंसानों पर खुदा को ज़ाहिर किया किसी ने खुदा को नहीं देखा लेकिन खुदाम इस दुनिया में आकर इंसानों पर किया कि खुदा कौन है कैसा है और वो हमसे क्या तो करता है मे द लव एंड ग्रेस ऑफ लॉर्ड लॉर्जिस क्राइस विद यू